أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. As you know that we have started this series of Today I will present lecture number 15, name database. I myself have the same field, family and information science. If you have any feedback or any query, so you can write to abhishek@gmail.com. Let's start from the very first slide that what is database? A database is an organized collection of structured information or data, typically stored electronically in a computer system. Structured information with the data जो कि electronically computer में store किया जाता है. A database is usually controlled by a database management system. डेटाबेस किस चीज से कंट्रोल होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से. टुगेदर द डेटा एंड द डीबीएम इज अलोंग विद एप्लीकेशन डेटाबेस स्ट्रेटजीज आर रेफर टू एज अ डेटाबेस सिस्टम ऑफन शॉर्टन टू जस्ट डेटाबेस. डीबीएम इस को भी डेटाबेस ही कहा जाता है. इसका काम डेटा को मैनेज करना है, टुगेदर करना और इसको फिर स्प्रेड करना है. डेटा विद इन द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डेटाबेस in operation today is typically modeled in rows and column in a series of tables to make processing and data querying efficient. Data ko agar aap dekha jaye data pe column aur row ka ek majmua hota hai. Jo bhi cheeze hoti hai ya column ki shakal mein hoti hai ya row ki shakal mein hoti, aajkal library mein agar aap dekha jaye बाहर डेटाबेस में आप किसी भी बुक पे या मेटा डेटा पे क्लिक करें तो आपको रो और कॉलम में नजर आ जाएगी. द डेटा कैन देन बी इजीली एक्सेस मैनेज मॉडिफाइड अपडेटेड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज. उन्हीं डेटा को जो कि हमने रो और कॉलम में किया हुआ है उसको आप इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं. SQL database uses structured query language. SQL का नाम सुनाओ. और database जो ना SQL के language पे ही चलाया जाता है. इसे क्या कहते हैं? Structured query language. For writing and querying data. अब ये जो next slide है, types of databases. तो बहुत सारे types हैं. मैंने कुछ encompass किए आपकी information के लिए. जैसे database के लिए कहते हैं कि ये बहुत बड़ा field है. क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ डेटाबेस की नौ हाउ, इसमें पहला जो है ना रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस बिकेम डोमिनेंट इन 1980. आइटम इन रिलेशनल डेटाबेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन रोज. इट प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल वे टू एक्सेस स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन. रिलेशनल डेटाबेस को कहते हैं आम लफ्जों में 1980 में ही हमारे यूजिट में आया हुआ था, मतलब कॉमन फॉर्मेट में आया हुआ था. और इसका काम क्या था? डेटा को ऑर्गेनाइज करना कॉलम और रो की शक्ल में. और ये फ्लेक्सिबल और स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को जो ना इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. इंफॉर्मेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. अब जो टूरियन को देखा गया जो ना तो उसे एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और इसका काम क्या है? फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स होते इन्हीं किस डेटाबेस में जो ना सम होते और इन्हीं डेटाबेस के जरिए से कोई एक्सेस कराई जाती है, मॉडिफाई किया जा सकते और स्प्रेड किए जा सकते. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर फाइल लोकेटेड इन द डिफरेंट साइट्स. Database may be stored on multiple computer located in the same physical location or scattered over different networks. Distributed database जो है ना दो मुख्तलिफ सिस्टम में भी रखा जा सकता है, दो मुख्तलिफ सर्वरों में भी रखा जा सकता है. ये मल्टीपल कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और टू और थ्री सिस्टम में भी फिजिकल तौर पर जो जहाँ इसकी लोकेशन मालूम हो एक्सेस किया जा सकता है. अब हम आ जाते हैं कि इसकी और टाइप्स क्या है. Data warehouse. A central repository for data. A data warehouse is a type of database specifically designed for fast query and analysis. अगर आपके पास कोई फास्ट क्वेरी एस की आती
तो उन्हीं डेटा को डेटा वेयर हाउस में स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है। मिसाल के तौर पर मेरी जो डेटा बेस है लाइब्रेरी का, वो है मैटल के साथ। तो इनका एक वेयर हाउस है, वहां पे मुख्तलिफ डेटा बेसिस काम कर रहे हैं, हर बंदे को जो ना एक्सेस दी हुई। ओपन सोर्स डेटा बेस, एन ओपन सोर्स डेटा बेस सिस्टम इज वन हूज सोर्स कोड इज ओपन सोर्स, सच एज डेटा बेस कुड बी एसक्यूएल आर नो नॉन एसक्यूएल डेटा बेसिस। ओपन सोर्स डेटाबेसिस क्या है, मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा भी दूंगा, कि जिसके ओपन सोर्स कोड अवेलेबल हो और लाइसेंस एग्रीमेंट हो, वो भी फ्री में दिए जाते हैं, बंदा मॉडिफाई भी कर सकता है। एक क्लाउड डेटाबेसिस, अ क्लाउड डेटाबेसिस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइदर स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड दैट रिजाइड ऑन अ प्राइवेट पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउड डेटाबेसिस मॉडल्स, ट्रेडिशनल एंड डेटाबेस डीबॉस। तो डीबॉस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मेंटेनेंस आर परफॉर्म बाय सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड डेटाबेस यूज किए कि आप क्लाउड पे रखिए, मिसाल के गूगल पर है, या मिसाल के तौर पर यहाँ पाकिस्तान में पास्ट है क्लाउड डेटाबेस की एक सीट है, जिसमें आपके डेटा पड़ा हुआ होता है और वो उसको खुद अपडेट करते हैं। मल्टी मॉडल डेटाबेस, मल्टी मॉडल डेटाबेस कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड बैकएंड। दिस मींस दे कैन अकोमोडेट वेरियस डेटा टाइप्स। मल्टी मॉडल डेटाबेस में ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म के डेटा बेसिस के साथ कनेक्ट की जाती है और ये अपनी फंक्शन अदा करती है। अब आ जाते हैं आखिरी स्लाइड में, यूज ऑफ डेटाबेस इन द लाइब्रेरी। विद एग्जांपल, डेटाबेस प्ले अ पिवोटल रोल इन मॉडर्न लाइब्रेरी, सर्विंग एज ए इनवेल्युएबल रिपोजिटरी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन अक्रॉस वेरियस सर्विस हेड्स। ये जो लेता है प्रोवाइड लाइब्रेरी पैट्स एक्सेस टू वास्ट एरिया ऑफ स्कॉलरली जर्नल आर्टिकल्स रिसर्च पेपर्स बुक्स मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर वैल्यूएबल कंटेंट्स। लाइब्रेरीज यूज डेटाबेस टू सपोर्ट एकेडमिक सर्च, फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, एनहांस लर्निंग आउटकम्स एंड प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। Libraries curate and manage database to ensure advanced capabilities, citation tools, and filtering options, empowering patrons to efficiently locate and utilize relevant resources for their research, studies, and professional development needs. Overall, databases are indispensable tools that contribute significantly to information access and knowledge discovery mission of the library. Common example of library database are Integrated Library System ILS or COHA, Digital Assets Management DAM system like DSpace and Greenstone, RFID, Radio Frequency Identification System and Electronic Resource Management ERM system, etc. मैंने एक स्लाइड में इसको इसीलिए कर दिया कि लाइब्रेरी को पता चल जाए, अगर इसको प्रिंट भी कराना चाहते या देखना चाहते हैं, लाइब्रेरी में इसका इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है आजकल के दौर में, स्कॉलरली जर्नल्स को, आर्टिकल्स को, रिसर्च पेपर्स को, बुक्स को, मल्टीमीडिया मटेरियल को जो है ना एक जगह पे रखते हैं। अब ये लाइब्रेरियाँ डेटाबेस क्यों रखती है, इसका काम एक ही है कि टू सपोर्ट एकेडेमिक रिसर्च। एकेडेमिक के अंदर जितनी रिसर्च होती है उसको सपोर्ट किया जाए, फैसिलिटेट करें, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हेल्प कराया जाए, लोगों के लर्निंग को इन्हांस करें और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन अदा करें। लाइब्रेरी में जो आजकल कॉमन लाइब्रेरी डेटाबेस है वो कोहा है, ILS कमर्शियल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जैसे विर्चुआ है, इंसिग्निया है, लेम्स है, माई एसक्यूएल है, इन मैजिक है, लिबमैक्स है, लाइब्रेरी कंटेंट मैनेजर है, हाँ, और इस तरह के जो ना लोगों ने कुछ इंडिजिनस सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं, ग्रीन स्टोन है, डी स्पेस है, और इस तरह करते करते बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस आजकल के दौर में कुछ ओपन सोर्स है, जैसे कि स्लिम्स है, आप देखिए कोहा है, तो इनको ओपन सोर्स कोड्स होती है, आप इसमें से अमेंडमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी और आपसे दरख्वास्त है कि इसको आगे शेयर भी करें
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।